दोस्तों, तशु मामी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज मेरे वीडियो में बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी की रेसिपी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आए। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने जो सामग्री ली है वो है कटहल। कटहल मैंने दो छोटे छोटे कटहल लिया था, उसको मैंने छील के और अंदर का हार्ड पोर्शन जो होता है उसको कट करके हटा लिया है और छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर लिया है। कटहल लगभग 500 ग्राम है। दो प्याज लिया है, दो छोटे टमाटर, चार छोटे आलू जिसको मैंने कट कर लिया है, 12 से 15 लहसुन, दो हरा मिर्च और छोटा टुकड़ा एक अदरक। चलिए दोस्तों, कटहल का सब्जी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए दोस्तों, हमने गैस को ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई चढ़ा लिया है, उस पर हम लगभग 2 कटोरा पानी ऐड कर दिए हैं। कटहल को हमको बॉयल कर लेना है तो हमने पानी कढ़ाई में डाल दिया है। अब उसमें हम कटहल को ऐड कर देते हैं। और आलू को भी ऐड कर देते हैं। कटहल और आलू को एक साथ बॉईल कर लेना है। दोस्तों, अब इसमें हम लगभग आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और आधा चम्मच नमक ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा चलाते हुए हल्दी नमक को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसमें एक लिप ढक के और थोड़ा देर इसको बॉयल होने देंगे, 4-5 मिनट, फिर एक बार बीच में चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने एक लिप ढक दिया है और गैस के फ्लेम को हमने मीडियम पे कर दिया है। कटहल जब तक बॉयल हो रहे हैं तब तक हम अपने प्याज टमाटर को कट कर लेते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, हमको ढक्कन खोल के दिखाते हैं। देखिए कितने बढ़िया से बॉयल हो रहे हैं, पानी भी बहुत हद तक सोख चुका है, थोड़ा ही पानी और बचा है सोखने में, तो और में 2-3 मिनट कटहल को बॉयल होने के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं और लिड हमने हटा लिया है और देखिए पूरा पानी सोख चुका है और आलू और कटहल दोनों बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और कटहल को एक बर्तन में उठा लेते हैं। देखिए दोस्तों, कटहल और आलू हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और हमने कढ़ाई से एक अलग बर्तन में उठा लिया है। तो चलिए हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। ये दोस्तों, फिर से हमने उसी कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लिया है। कढ़ाई हमारे गर्म हो चुके हैं तो अब इसमें हम 6-7 चम्मच तेल ऐड कर देते हैं, तेल हमारे गर्म हो जाए। देखिए दोस्तों, प्याज को हमने कट कर लिया है छोटा छोटा टुकड़ों में और टमाटर को भी कट कर लिया है छोटा टुकड़ों में, अदरक लहसुन हरा मिर्च का पेस्ट भी बना लिया है। मसाले में हमने लिया है दोस्तों, एक फूल चकरी, 4-5 लौंग, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और कुछ दालचीनी के टुकड़े। देखिए दोस्तों, तेल हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं तो इसमें हम आधी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं, जीरा चटक जाए थोड़ा। अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज पत्ते ऐड कर दिए, ये अच्छे से चटक जाए थोड़ा। अब इसमें हम
खड़ा मसाला जो है वो ऐड कर देते हैं। एक दो सेकंड चला लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे चीज़ अच्छे से चटक गए। अब हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं और मिर्च लहसुन एक दो मिनट प्याज को भूनते हैं। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। और देखिए प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरा मिर्च का पेस्ट ऐड कर देते हैं और इसे भी हाई लो फ्लेम करके और थोड़ा देर पकाते हैं। देखिए दोस्तों, अदरक लहसुन को पेस्ट को ऐड करने के बाद हमने चलाते हुए हाई लो फ्लेम करके लगभग 2 मिनट तक पका लिया है। और देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हमारे जो कटे हुए टमाटर है उसको भी ऐड कर देते हैं और इसको भी थोड़ा देर चलाते हुए हाई लो फ्लेम करके 1-2 मिनट पका लेते हैं। फिर इसमें हम भी नमक ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, टमाटर ऐड करने के बाद भी हमने चलाते हुए अच्छे से लगभग 2 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें हल्दी और नमक ऐड कर रहे हैं। तो हल्दी लगभग आधी चम्मच ऐड कर दी। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक 1/4 चम्मच। इसको थोड़ा देर चला लेते हैं। देखिए दोस्तों, नमक हल्दी ऐड करने के बाद हमने कुछ देर अच्छे से चलाते हुए पका लिया है। और देखिए सारे चीज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। मसाले में 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, लगभग 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गुलकी पाउडर, 1/4 चम्मच चिली पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करके 4-5 चम्मच पानी ऐड करके इसको अच्छे से चलाते हुए 2-3 मिनट लो फ्लेम पे मसाले को भूनते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ देर चलाते हुए हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। और देखिए कितने अच्छे से भून चुके हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच मीट मसाला ऐड करते हैं और इसको 1-2 सेकंड अच्छे से चला लेते हैं। गैस का फ्लेम हमारे लो पे है। दोस्तों अब हम इसमें हमारे जो कटहल और आलू है इसको ऐड कर लेते हैं और इसको चलाते हुए अच्छे से मसाले में मिक्स करते हुए 2-3 मिनट भून लेते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं। उबले कटहल मसाले में ऐड करने के बाद हमने चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से कटहल मसाले में मिक्स हो चुके हैं और कितने अच्छे से पक रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। इसको गर्मी का सीजन आते ही कटहल मिलने शुरू हो जाते हैं और कटहल का सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और
बाजार में आसानी से कटहल मिलने लगते हैं और छोटे छोटे कटहल जो होते हैं वो खाने में बहुत ही बढ़िया होते हैं। दोस्तों छोटे छोटे और ताज़े ताज़े कटहल जब पेड़ में होते हैं तब अगर हम सब्ज़ी बना के और खाते हैं और सब्ज़ी हम अच्छी तरह से बनाते हैं तो इसके सामने मटन भी फेल है, इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी बनती है छोटे कटहल की सब्ज़ी। दोस्तों ये कटहल हम अपने घर से लाए हैं, हमारे बाड़ी का पेड़ का कटहल है और ये कटहल बहुत ही पुराने पेड़ का कटहल है और बहुत ही खाने में टेस्ट लगता है। ये कटहल का पेड़ मेरी दादी लगाई थी अपना बाड़ी में, दादी नहीं है लेकिन उनका लगाया हुआ कटहल का पेड़ का कटहल हम हर साल खाते हैं और ये कटहल बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। तो दोस्तों अब इसमें हम हमारे कटहल अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुके हैं, इसमें हम लगभग 2 कटोरा पानी ऐड कर देते हैं और इसको ढक्कन डाल के और अच्छे से मीडियम फ्लेम पे कुछ देर पकने देते हैं। देखिए दोस्तों कुछ देर हो चुका है, ढक्कन हमने हटा लिया। देखिए हम आपको चला के दिखा रहे हैं, देखिए कटहल का सब्जी बनके हमारी पूरा तैयार है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं उतने अच्छे खाने में भी लगेंगे और लग रहे हैं ना मटन जैसा। तो अब भी ऐसे ही मेरे तरीके से कटहल का सब्जी बना के एक बार खाइए, सभी सदस्य को खिलाइए और कमेंट में बताइए कि कैसा बना। ले दोस्तों सब्जी बनके हमारा तो पूरा तैयार है, अब हम इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमने सर्व कर लिया है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर आपको भी मेरी कटहल सब्जी की रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना। मैं मेरी कोई अगली रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।